हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड स्टेइंग हाइड्रेटेड। तो आ गया है SBIPO मेंस का रिजल्ट। मैं अपना रिजल्ट बता देती हूँ। मेरे अटेम्प्ट कुछ 80 अराउंड थे, 82 आई थिंक, और मेरा क्लियर नहीं हुआ है। आई थिंक दिस वाज दी वेरी फर्स्ट मेंस जो लास्ट ईयर का था और मेरा क्लियर नहीं हुआ है। तो ठीक है, अब नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन्स टू दोज हु हैव क्लियर्ड दी मेन्स एंड जस्ट गोइंग फॉर द इंटरव्यू राउंड। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू प्रिपेयर अगेन फॉर नेक्स्ट एग्जाम। जस्ट हैव अ ब्लास्ट एंड डीमोटिवेट होने का कोई रीज़न नहीं है। यहाँ पर हमको सेटबैक से पता चलता है कि हमारी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। जहाँ तक मुझे मेरे रिजल्ट का लग रहा है, आई थिंक जनरल अवेयरनेस में मैंने बहुत सारे गलतियाँ कर दी होंगी, या फिर मे बी दिस टाइम इंग्लिश में कुछ एक्यूरेसी हो गई होगी, आई डोंट नो, या फिर कट ऑफ ज़्यादा ही चली गई और मेरे अटैम्प्ट बहुत कम रह गए हैं। पता नहीं, अब जो हुआ है देखा जाएगा। एंड एग्ज़ाम तो नहीं निकला है। जिनका भी हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू गाइज। एंड जस्ट प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू राउंड। और जिनका नहीं हुआ है, जस्ट बी मोर फोकस, बी डेडिकेटेड। एंड मेरा यही पहला मेन्स है जो नहीं हुआ है। अब नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, अब एक्सेप्ट करना ही है ना। तो ठीक है, थोड़ा एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस करो, कहाँ कमी रह गई है ये देखना है। देखेंगे जब स्कोर कार्ड आएगा कि कहाँ कमी रह गई है। और मेरे केस में तो मुझे IBPS में भी डर ही लग रहा है कि मेरा सेक्शनल निकलेगा नहीं निकलेगा। बट ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। आप लोग अपना रिजल्ट शेयर करिएगा एंड जस्ट बी पॉजिटिव एंड हैव पॉजिटिव वाइब्स अराउंड यू। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू अगेन। बाय।